नमस्कार साथियों, राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन सेशन 2023-24 जो भी स्टूडेंट इस बार सेशन 2023-24 में बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। वो आई है, क्या अपडेट है आपको पता है? अभी है ना एडमिशन है वो चल रहे हैं, आपकी लास्ट डेट है वो क्या है भाई? 5 जुलाई। कितनी है भाई? 5 जुलाई है और शुरू कब हुए थे? 28 जून। ठीक है, तो टाइम भी आपको कम मिला था और काफ़ी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनके डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार नहीं हुए। ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हुए भाई? किसी का जाति प्रमाण पत्र है वो तैयार नहीं हुआ। ठीक है, किसी का मूल निवास है वो तैयार नहीं हुआ था। ठीक है, तो और किसी को आय प्रमाण पत्र है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम आ रही है। कुल मिलाकर डॉक्यूमेंट है वो पूरे तैयार नहीं हुए और डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हुए इसी वजह से है, मतलब फॉर्म है वो नहीं लगा रहे हैं एडमिशन फॉर्म। ठीक है, तो इसलिए है ना वो डेट है वो बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी मैं आपको कंप्लीट है वो जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जहाँ तक हो सके कोशिश करनी है आपको कि है ना फॉर्म है वो जल्द से जल्द लगाना। ठीक है, कोशिश आपको जितनी हो सके कोशिश है वो करनी है। ठीक है, क्योंकि आज वैसे लास्ट डेट है। ठीक है, और अब हैं आगे बात करते हैं। ठीक है, तो डेट बढ़ने की पूरी संभावना है, क्यों मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा। ठीक है, आप वीडियो देख लेना एक बार। देखो ये नोटिफिकेशन आया था आपको 26 जून 2023 को। ठीक है, अब देखो भाई आगे क्या है इसमें। देखो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना हो प्रारंभ होने की तिथि, ठीक है, कब स्टार्ट होते हैं? 28 से, लास्ट डेट 5, मतलब आज ही है वो आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, उसके बाद क्या भाई? महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि, ये तो आपका काम नहीं है 8 को। ठीक है, और फॉर्म भर दिया उसके बाद आपका कोई काम नहीं है, फिर आपका काम है आगे देखो अंतिम भरित सूची प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन। ठीक है, तो लिस्ट है वो कब आती थी? मतलब 10 तारीख को आपकी लिस्ट है वो आनी थी। ठीक है, मतलब अभी भी मतलब ऐसा है अभी तक नोटिफिकेशन है वो नहीं आया कि भाई डेट है वो आगे बढ़ी है। ठीक है, लेकिन अभी तक है यही ये बात चल रही है कि 10 को है वो आपका लिस्ट है वो जारी की जाएगी। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपकी ये मतलब ये डेट है वो चेंज वगैरह है वो हो जाएगी। ठीक है, 10 की जगह ना 15 भी हो सकती है। ठीक है, 20 भी हो सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे क्या है भाई? आगे देखो भाई, अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय में दस्तावेज सत्यापन एवं ई मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि। ठीक है, जैसे ही आपका लिस्ट में फर्स्ट लिस्ट या फिर वेटिंग लिस्ट का हो, दोनों में से किसी में आपका नंबर आ जाए मान लीजिएगा। ठीक है, तो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। कब करवाना है भाई? ये 10 तारीख से लगाकर 13 तारीख तक। ठीक है, मतलब ये 4 दिन का टाइम है और 4 दिन के अंदर अंदर आपको है वो सब कुछ है वो करवाना होता है। ठीक है, ये आपको जानना है, बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, चाहे आपका फर्स्ट लिस्ट में नंबर हो चाहे वेटिंग लिस्ट में हो। ठीक है, उसके बाद भाई आगे बात करते हैं। आगे देखो भाई, अब प्रवेशी विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन। ठीक है, जिनका एडमिशन फाइनल हो चुका है ना वो एडमिशन है मतलब लिस्ट आएगी उनकी अलग, तो वो कब आती है भाई? 14 को आनी थी। ठीक है, मतलब 14 को आएगी वैसे भी। ठीक है, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन आ जाता है मतलब ITLA कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर नोटिफिकेशन कर देता है कि भाई डेट है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो वो आपका ना 14 की जगह चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करूँगा कि भाई डेट बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी उसके बारे में बात करें है ना, तो वो अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप में वो पे पोस्ट डाल दी थी। ठीक है, और न्यूज़ है वो डाल दी थी कि भाई डेट बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसी डेट बजटती है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब पर दोनों पर सूचित कर दूंगा। ठीक है, अब भाई बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी वो भी मैं बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो भाई ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए मैं बता देता हूँ। ये तो आपके पास होगी रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, ये तो होगी। आधार कार्ड है वो भी होगा, किसी को जन आधार में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए। ठीक है, मोबाइल नंबर है तो आपकी ईमेल आईडी भी हाथों हाथ है वो बन जाएगी, इसमें तो कोई नहीं आपको दिक्कत। ठीक है, उसके बाद SSO आईडी वो भी आपकी हाथों हाथ बन जाती है। ठीक है, ये भी इसमें भी कोई प्रॉब्लम है आपको नहीं आती। ठीक है, और आगे प्रॉब्लम आती है आपको जाति प्रमाण पत्र हैं, आय प्रमाण पत्र हैं, मूल निवास है इनको बनाने में। ठीक है, बैंक खाता में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप अपने माता या पिता किसी का भी हैं वो लगा सकते हो। ठीक है, किसी का भी लिखो, अपने मदर हो या फिर फादर या फिर अपने भाई या फिर बहन है कोई भी हो। ठीक है, अपने मतलब रिश्ते में होने चाहिए और उनका भी बैंक डायरी आप लगा सकते हो। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है। ठीक है, आपका कोई फीस है रिफंड करनी हो तो ये काम आती है। ठीक है, यही बात है और बाकी बैंक पासबुक की और कोई काम है वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो भाई स्थानांतरण प्रमाण पत्र हैं, चरित्र प्रमाण पत्र है, माइग्रेशन, ये सभी है ना आपको एडमिशन फॉर्म भरने के वक्त हैं वो नहीं चाहिए, ये बाद में डॉक्यूमेंट चाहिए। बाद में कब चाहिए भाई? ये आप जब दस्तावेज सत्यापन करोगे ना, दस्तावेज सत्यापन कब कराओगे भाई? जब आपका लिस्ट में नाम आ जाता है ना, तो उसके बाद आपको आपकी कॉलेज में जाना होता है। कॉलेज में जाओगे
तो वहाँ पर आपको ना ये डॉक्यूमेंट हैं वो चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट है 10th और 12th की, ठीक है, और TC है, CC है, मतलब चरित्र प्रमाण पत्र, माइग्रेशन प्रमाण पत्र, ये जो भी है आपका वो, ठीक है, और इन डॉक्यूमेंट की है वो ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, ठीक है। अभी है कोई ज़रूरत नहीं है TC की, ठीक है, TC की, CC की, ठीक है, समझ में आ गए होगा, मैं आई होप, ठीक है, मैं आपको बहुत डीपली समझा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए ही। तो अब देखो भाई आगे, देखो भाई लास्ट डेट तो आपको मैंने बता दी, और ये भी डॉक्यूमेंट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं लगाए तो लगा देना, ठीक है, प्रमाण पत्र ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वहाँ पर मैंने अपलोड है वो कर दिया, ठीक है, पूरी PDF। और ये किस काम आता है भाई, ये आपको बोनस चाहिए ना तो आप है काम ले सकते हो, अभी तक जिस स्टूडेंट ने नहीं भरा ना उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आपको इसमें क्या क्या लिखना है भाई, इसमें आपको सरपंच का साइन वगैरह है वो करवाना होता है, ठीक है, जो भी साइन का हो, या फिर मोहर, मोहर भी लगा सकते हो, ठीक है, और सरपंच का नाम और ग्राम पंचायत आपकी जो भी ग्राम पंचायत है ना वो यहाँ पर लिखनी होती है, ठीक है, ये तो आप खुद ही फील कर लेना यहाँ से लगा कर यहाँ तक, ठीक है, बाकी मोहर व हस्ताक्षर है ना वो आप है ना उनके पास से जाकर लगा सकते हो, ठीक है, और सरपंच का नाम याद नहीं है तो उनके पास जाओ सरपंच के पास, ठीक है, तो वो आपका नाम है वो बता देंगे कि सरपंच का नाम, ठीक है। और ये होता है बधाई पत्र, ये तो आपको मैंने बता रखा है कि क्या होता है भाई, ये आपको उस समय ले जाना होता है जब आप दस्तावेज सत्यापन करवाते हो ना, दस्तावेज सत्यापन कब करोगे मैंने बता दिया, 10 जुलाई से लेकर 13 जुलाई, ठीक है, और उसके बाद है आज ही न्यूज़ आई है भाई कि डेट बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ सीधा, ठीक है। ये चरित्र प्रमाण पत्र हैं, और अगला देखो भाई, ये मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट अपलोड की थी कि गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन सेशन 2023-24 प्रथम वर्ष में आवेदन की अंतिम तिथि है वो आज हैं, ठीक है, आपको बताएं आज हैं, लास्ट डेट हैं, ठीक है, 5 जुलाई। और उसके बाद है राजकीय कॉलेजों में UG प्रथम वर्ष में ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख है वो 5 जुलाई हैं, ठीक है। हालांकि माना जा रहा है कि आवेदन की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है, आप फिक्स मत मानना, जहाँ तक हो सके कोशिश करना, आपको जितनी हो सके कोशिश करना, आपको फॉर्म लगाना है, ठीक है, क्या लगाना फॉर्म है वो लगाना है, एडमिशन फॉर्म, ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा आई होप। उसके बाद देखो भाई, हालांकि माना जा रहा है कि आवेदन की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है, सरकार 10 जुलाई तक है तारीख बढ़ा सकती है, ठीक है, इतनी भाई बढ़ेगी तो आपको 5 दिन और टाइम है वो दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है, 10 जुलाई तक है तारीख बढ़ा सकती है। इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी होने की संभावना, बुधवार तो भाई आज ही है, ठीक है, तो आज है आदेश जारी हो सकता है, किस समय जारी होगा भाई, तो आदेश हैं वो शाम तक आ जाएगा, ठीक है, शाम के टाइम आप देख लीजिएगा लगभग हैं 10 बजे तक आराम से हैं वो आदेश हैं वो आ जाएगा, ठीक है, अगर मतलब तारीख बढ़ानी है वास्तव में तो नोटिफिकेशन है शाम तक आ जाएगा, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा बात याद रखना है। उसके बाद और कुछ नहीं है, आपकी 12th की मार्कशीट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे भाई कि 12th की मार्कशीट है वो नहीं आई है, हैं स्कूल में नहीं आई है, और जो चरित्र प्रमाण पत्र हैं वो बोले तो वो भी नहीं आया, ठीक है, तो हम क्या करें, ठीक है, तो अभी तक आपका इनका कोई भी काम नहीं है वैसे भी, ठीक है, अभी मतलब ये चल रही है तैयारी, और आपकी जो सेकेंडरी की मार्कशीट है वो माइग्रेशन है वो कल रवाना है वो हो जाएंगे वैसे भी, ठीक है, और वो आपके स्कूल में 2 या 3 दिन में स्कूल में भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखवाएं कि माइग्रेशन और जो मार्कशीट हैं 6 जुलाई को बोर्ड परीक्षा में से राज्य भर के नोडल केंद्रों के लिए रवाना होगी, ठीक है, जो भी आपका सेंटर है जहाँ पर, ठीक है, जैसे आपको पता है आपका सेंटर कहाँ पर आता है, गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है, तो स्कूल में है ना वहाँ से लेकर आएंगे आपके जो भी स्कूल के माँ साहब हैं टीचर हैं वो लेकर आ जाएंगे और आपको भैंस देगी, ठीक है, भैंस दे मतलब आपको दे देंगे, ठीक है। और बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट बता देना, काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने सोचा पूरा वीडियो बना दूं आपको मैं सूचित कर दूं, ठीक है। और ये देख लो पूरी की पूरी न्यूज़, ठीक है, गति बड़ी लेकिन कई विषय में आवेदन है वो नहीं आए, प्रथम वर्ष में आवेदन का अंतिम 3 दिन है वो आज है, बढ़ सकती है तारीख, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो MDSU की न्यूज़ है, BA ऑनर्स इकोनॉमी, ठीक है, कितने आवेदन आए भाई, 18 ही आवेदन आए, ठीक है, 90% चांस है, मैं आपको बता रहा हूँ आवेदन की डेट है वो बढ़ेगी, हर साल तो बढ़ती है, ठीक है, हर साल बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि इस बार ही बढ़ रही है, हर साल बढ़ती है। तो देखो बी ए ऑनर्स इकोनॉमी इनमें कितने हैं भाई, 18 आवेदन आई है, 40 सीट है, ठीक है, तो लगभग है 12 सीटें हैं वो बची हुई है, ठीक है, 12 के 22, ठीक है। और उसके बाद बी ए ऑनर्स जियोग्राफी, इसमें कुल है 38 आवेदन है, 2 सीट अभी भी खाली हैं। फिर बी ए ऑनर्स हिस्ट्री की 45 जो हैं आवेदन आई हैं और 40 सीटें, ठीक है, मतलब 5 का एक्स्ट्रा हो गए तो उनको बाहर है वो निकल जाएगा, उनको है वो एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद BA ऑनर्स पॉलिटिकल हैं, इसमें देखो भाई 67 आवेदन आए हैं और 40 हैं सीटें हैं कुल मिलाकर, और BA पास कोर्स हैं 1505 हैं
अब नए और 120 सीटें, ठीक है। और ये पूरा इस प्रकार से आप देख सकते हो, बीएससी मैथ्स है इसमें 350 हैं जो कि क्या है भाई सीटें हैं, ठीक है। और दूसरी क्रम है कि अभी आवेदन है वो आए, ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हो। और क्यों बढ़ेगी डेट, वो मैं इसका कारण अभी बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजकीय कॉलेजों में यूजी प्रथम वर्ष, ये तो मैंने बता दिया, यहाँ तक कहाँ तक बढ़े, यहाँ तक, ठीक है। इस संबंध बुधवार को आदेश जारी होने की संभावना है, ये तो मैंने पूरा कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है, इंस्टाग्राम पर डाल दें न्यूज़, ठीक है। इस बीच तारीख बढ़ाने के लिए एनएसयूआई ने एसपीसी जीसीए के प्रचार को ज्ञापन सौंपा है। शहर के दोनों राजकीय कॉलेज एसपीसी जीसीए और जीजीसीए में आवेदन की संख्या बढ़े हैं, बीए में आवेदन ज़्यादा हैं। एमडीएस में प्रवेश के लिए पोर्टल फिर से खोले गए हैं। एसपीसी जीसीए में बीए पास कोर्स में मंगलवार को एक दिन में आवेदन 400 तक हैं, वो बढ़ गए हैं, ठीक है। मतलब एक दिन पोर्टल खोला वापस तो 400 आवेदन हैं, वो बढ़ गए हैं, ठीक है। अब देखो भाई, बढ़ेगी आवेदन की तारीख, क्या लिखा है, क्या कारण लिखा है, तो यहाँ पर देखिए, एक मिनट हवा आ रही है, ठीक है, वापस बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर लिखो, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने एनपीसी जीसीए के प्राचार्य डॉक्टर कायद अली खान को आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के नाम ज्ञापन है सौंपकर आवेदन की तारीख है वो बढ़ाने की मांग है वो की है। मंगलवार को दोपहर में दिए गए ज्ञापन में छात्र नेताओं का कहना था कि कई विद्यार्थी ऐसे जिनके दस्तावेज हैं वो पूरे नहीं हैं, ठीक है। मैंने बता दिया था भाई कि काफ़ी सारे स्टूडेंट के दस्तावेज हैं वो पूरे नहीं बने हुए, ठीक है। किसी को किसी कागज़ में परेशानी आ रही है, मतलब टाइम से वो नहीं बना है, ठीक है, इसलिए वो फॉर्म है वो नहीं भरा रहे हैं, ठीक है, भर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जिनके दस्तावेज पूरे नहीं, इस वजह से वे आवेदन करने से वंचित हैं। सर्वर की स्पीड भी कम है, ठीक है, मतलब वेबसाइट भी ठीक ठाक है वो नहीं चल रही है, इसलिए आवेदन भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं मतलब वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि लास्ट डेट है वैसे भी अब, ठीक है। इधर कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के अधिकारी के मुताबिक आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाई जाने की पूरी संभावना है। मतलब ये जो आयुक्तालय है ना, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान, ठीक है, जयपुर, ठीक है, तो उन्होंने एक अधिकारी कहा था, उनके मुताबिक हैं जो डेट हैं वो बढ़ाई जाने की पूरी संभावना है, ठीक है, अधिकारी ने कह दिया। तो अब मान लो कि डेट हैं वो बढ़ जाएगी, ठीक है, संभावना है बहुत ज़्यादा बन जाती है कि डेट बढ़ने की, ठीक है। बाकी आप जितने हो सके कोशिश कीजिएगा कि फॉर्म लगाने की, ठीक है, मैंने बता दिया कि डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ठीक है, नोटिफिकेशन कब आएगा, शाम तक है आपका नोटिफिकेशन है वो आ सकता है, ठीक है, मैंने पूरी अपडेट बताई है। इसलिए एक बार प्लीज़ दिल से कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ना उसे तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और बाकी आपके पास टेलीग्राम ग्रुप नहीं है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आप राजस्थान बोर्ड न्यूज हैं सर्च कर लेना, RAJASTHAN राजस्थान बोर्ड न्यूज, ये टेलीग्राम ग्रुप है और इंस्टाग्राम हमारी ID है, इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, राजस्थान बोर्ड न्यूज, ठीक है। तो बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट बता देना, मैं सभी के लिए वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, ठीक है, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है। बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट के अब ये भी होगा भाई कि जाति प्रमाण पत्र है 6 महीने पुराना है, 1 साल पुराना है, ठीक है, किसी के कुछ हैं, ठीक है, तो उसको भी है प्रॉब्लम आ रही है ना। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है आप हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हर समय तैयार रहता हूँ, ठीक है। तो बाकी और कुछ नहीं है इस वीडियो में, और देख ले मैंने पूरा न्यूज़ है बता दी, मार्कशीट के बारे में बता दिया, फर्स्ट ईयर अंतिम मिति आज बता दी, ये भी बता दिया, प्री डिलेट जो भी है ना आपके BSTC फॉर्म भरने जाते हो उनके लिए भी मैं अपडेट बता देता हूँ कि प्री डिलेट के आवेदन के है ना अगले सप्ताह से स्टार्ट हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए भाई आपको, देख लो जब आप है ना दस्तावेज सत्यापन करवाते हो ना उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, एक तो बैंक डायरी है, आधार कार्ड है, चरित्र प्रमाण पत्र है, 10वीं अंक तालिका, 12वीं अंक तालिका, खेलकूद NCC प्रमाण पत्र है, ठीक है, वो भी आपको चाहिए, NCC वगैरह आपने किया ना अगर किया है तो वो भी लगाए, एडमिशन फॉर्म भरते वक्त और यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन के वक्त भी, ठीक है। उसके बाद क्या भाई, स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC है, आय प्रमाण पत्र 4 पेज वाला वो चाहिए आपको, ग्रामीण प्रमाण पत्र है, मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट में आपने यस किया कि मान लीजिए खेलकूद प्रमाण पत्र आपके पास हैं तो आपने यस किया होगा, ठीक है, तो यस किया है तो आपको वो ले जाना होगा, ठीक है। इस प्रकार और भी कई काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको आपने यस किया तो आपको वो भी ले जाना होगा, ठीक है। और सभी दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी के 3 सेट हैं वो लेकर आपको जाना है, कितने सेट, मतलब जैसे आप मान लीजिएगा बैंक डायरी है तो बैंक डायरी की कितनी फोटोकॉपी करानी है, 3 फोटोकॉपी करानी है, ठीक है, 2 तो महाविद्यालय में जमा होगी और 1 आपके पास खुद के पास है वो जमा रहेगी, ठीक है। और एक और होता है भाई बधाई पत्र, ठीक है, वो भी ले जाना होगा। बधाई पत्र कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ,
जैसे आप जाओगे डीसी की वेबसाइट पर, ठीक है, या फिर ई मित्र के माध्यम से निकाल लेना, ठीक है, डीसी के वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर आपको है ना आप देखोगे मेरिट खोजे, सर्च मेरिट, ठीक है, तो वहाँ पर जाओगे, फिर है ना आप एडमिशन जो एप्लीकेशन आईडी होती है ना, एप्लीकेशन आईडी वो डालनी है, ठीक है, उसके बाद आप अपना बधाई पत्र है वो निकाल सकते हो आराम से, ठीक है, कोई भी ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं आती है, बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हो। आप तो 12th पास हो चुके हो वैसे भी अब, है ना, तो वो तो आराम से निकाल सकते हो। बधाई पत्र वही होता है बधाई पत्र जिसमें लिखा होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि बधाई पत्र कैसे होता है, ठीक है, ये रहा आपका बधाई पत्र, ठीक है, इसमें लिखा होगा कि भाई आपका नंबर है वो किस में आया है ना, प्रथम सूची, प्रथम प्रतीक्षा सूची, वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है वो आया है, ठीक है, मतलब वेटिंग में आता है या फिर फर्स्ट लिस्ट में आता है जो भी आपका ना, तो उसमें ये सब कुछ लिखा होता है, ये आपको ले जाना होता है। 3 फोटोकॉपी इसकी भी, कितनी फोटोकॉपी, 3 फोटोकॉपी आपको ले जानी होगी, ठीक है, तो पूरी अपडेट मैंने बता दी, बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।